मिनट सीरीज में अगला टॉपिक है शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी मीटिंग भारत में ही हुआ था, लेकिन जो फाइनल मीटिंग होती है, लीडर की मीटिंग होती है, फाइनल लीडर की मीटिंग होती है, ये वर्चुअल हुआ, याद रखना वर्चुअल हुआ, ये न्यू दिल्ली में नहीं हुआ, क्लियर, ये हमको ध्यान रखना है। कौन कौन से कंट्री है? देखो अभी 8 कंट्री था, 9वां कंट्री 2023 में ही जुड़ा है, वो 9वां कंट्री है ईरान। इससे पहले 8 कंट्री कौन कौन था? चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, आपको कैसे याद रखना है। आप एक साथ रसिया और चाइना को याद रखो, रसिया और चाइना याद रखो, उसके बाद चार सेंट्रल एशियन कंट्री है। चार सेंट्रल एशियन कंट्री कौन कौन है? कजाकिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान के बाद कौन सा होता है? उज्बेकिस्तान। देखो तुर्कमेनिस्तान वैसे भी थोड़ा सा न्यूट्रल आता है, तो तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। फिर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो 1, 2, 3, 4 कंट्री ये हुआ, रसिया चाइना दो हो गया, और 2013-17 में भारत और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन किया, तो अब ऑलरेडी 8 हो गया। 2023 में कौन सा देश शामिल हो गया? 2023 में ईरान शामिल हो गया। तो टोटल कंट्री जो नंबर ऑफ कंट्री हो गए, ये हो गए 9। अब शंघाई कॉरपोरेशन पहली बार इंडिया चेयरमैन बना, ये तो हम लोग को पता चल गया, 2017 में इंडिया ज्वाइन किया। 2023 का जो समिट था ना, वो 23rd समिट था, इसमें ईरान ऑफिशियली मेंबर बना, और ईरान ज्वाइन करना था एज ए 9th मेंबर। इंडिया के चेयरमैनशिप में थीम क्या था? थीम था टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर का फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन काम क्या है? इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, पेस पीस मेंटेन करना है। 2001 में क्रिएट किया गया था, एससीओ चार्टर पे 2002 में साइन किया गया और फोर्स में 2003 में आया। भारत 2017 में ज्वाइन हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोजगोल ट्रस्ट, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं याद रखना, स्ट्रक्चर में नहीं याद रखना। एक है हेड ऑफ काउंसिल, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, उसके अलावा हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, और एक क्या है? काउंसिल फॉर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और एक रैट्स है। आपसे सिंपल पूछेगा रैट्स ग्रुप किससे रिलेटेड है, तो आपको बोले एससीओ से रिलेटेड है। एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? जिस तरह G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, एससीओ का सेक्रेटेरिएट है, वो है बीजिंग में। नाम है शंघाई, बट उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये याद रखना। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? रशियन और चाइनीज, रशिया और चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बस इसमें इतना याद रखना है, और सिक्योर एससीओ याद रखना है। इंडिया में समिट हुआ, ईरान 9th मेंबर बना, ये सब हमको याद रखना है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच। लास्ट में बता दूं कि हमारे कई कोर्स चल रहे हैं, आप इसमें से किसी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे टेक्स्ट करके और व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना। आपको डेमो वीडियो पहले लेना, डेमो PDF लेना, उसके बाद ही ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो ब्रिक्स पे आने वाला है, ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुआ इस बार ब्रिक्स का।